हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हैं इस वक्त मैसूर, द सिटी ऑफ पैलेसेस इन कर्नाटका, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मैसूर के कुछ अमेजिंग प्लेसेस। हमारे इस सफर में जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए शुरुआत करते हैं। Hi guys, so we are at Chamundi Hills, which is a very famous spot in Mysuru. This is my second day in Mysuru, and I have Narasimha with me. You must have seen him in my videos. So he is a local from Mysuru, और अभी हम लोग जा रहे हैं Chamundi Hills के view point पे जो है ऊपर. So we have to go through this road, और यहाँ से हम जाएंगे towards the hill area. So this is the DO. तो हम DO से आए थे और road काफ़ी खाली और अच्छा था. इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है. So we are going to the hill top, which is above 3000 feet. I'm very excited and let's go. रास्ते में हमने एक क्विक चाय ब्रेक लिया, और जब आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हो तो चाय पीना तो बनता है। चामुंडी हिल्स का ड्राइव बेहद ही खूबसूरत है, और यहाँ से आपको मैसूर सिटी का एक पूरा एरियल व्यू देखने को मिलता है। Please do it again. This is the whole of my soul. एक तरफ है चामुंडी हिल, और यहाँ से आपको मैसूर सिटी का पूरा व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से आप काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देख सकते हो, और स्पेशली अगर आप किसी लोकल के साथ हो तो वो आपको इन जगहों के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। What's the name of this road? Devraj Aras Road. Devraj Hars Road. Aras. Aras Road. Devraj Aras Road. तो हमने ऑर्डर किया था एक ओपन बटर मसाला डोसा, और जिस तरह से ये होममेड देसी घी लगाकर डोसा बना रहे थे, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी टेस्टी। The dosa here was so tasty. It's one of the best dosas that I've had, more than the Mandari dosa that we had yesterday. I really like this one. Dosa Point. So I would suggest if you are in Mysuru, then you must try the dosa here at Dosa Point. कबीर जो काउ सर्फिंग कर रहा था, तो अपने होस्ट के घर पे यहाँ पे, एंड कबीर इज कुकिंग राइट नाउ, इज मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हिमसेल्फ एंड द होस्ट।
तो जिनको नहीं पता है काउसर्फिंग के बारे में, काउसर्फिंग इज़ एन ऐप जहाँ पे आप ट्रैवलर्स लोग को मिल सकते हो. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कि आप अगर बैंगलोर जा रहे हो, देन यू मीट पीपल हु आर फ्रॉम बैंगलोर थ्रू द साइट एंड दे विल ऑफर टू होस्ट यू. तो आप उनके घर पे रुक सकते हो एंड इफ़ दे हैव एनी अदर प्लेस फॉर यू टू स्टे तो आप वहाँ पे रुक सकते हो. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हेन इट कम्स टू काउसर्फिंग. आपको उनके रेफरेंसेस भी चेक करने होते हैं बिफोर यू नो विश टू स्टे विद देम. सो राइट नाउ कबीर has found a host in Mysore and he's staying here since yesterday. I was staying in the hostel and Kabir is staying with this host. उसने मुझे बताया कि उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एंड वो अभी खाना बना रहा है अपने होस्ट के लिए और उसके लिए. सो इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल, आप ट्रैवल के काफ़ी सारे डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग. यू कैन ट्रैवल ऑन अ बजट. सो हियर ही डजंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द स्टे. इस वक्त हम लोग ये फिलोमेना चर्च के पास, जो एशिया सेकेंड लार्जेस्ट चर्च है, वो जर्मनी में देयर इज अ चर्च विच इज़ इन नियो गॉथिक स्टाइल और इसका भी पूरा आर्किटेक्चर उसी से इन्फ्लुएंस्ड है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट चर्चेस इन एशिया. मैसूर के बीच में ये कहाँ से ये इतना प्यारा सा चर्च है. तो देयर वॉज अ फादर हु रिक्वेस्टेड द किंग ऑफ मैसूरू टू कंस्ट्रक्ट दिस चर्च एंड द किंग, considering the local culture of the people, decided to help and build this church. So ek kafi khoobsurat church hai guys, aur agar aap Mysuru mein ho even for a 2-day trip then you must come here. Hum enter karne wale church ko, to bahar se kuch is tarah dikhta hai. सो इस वक्त हम करंजी लेक के अंदर है और यहाँ पे छोटा सा बर्ड लेक है एंड देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल बर्ड्स. मतलब मैंने पहले पीकॉक को इतने पास से कभी नहीं देखा था एंड स्पेशली द पीहन ओपनिंग हर विंग्स. सो यू कैन सी पीकॉक एंड पीहन सिटिंग लाइक दिस. सो आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लोज हो बर्ड्स के एंड यू कैन क्लिक गुड पिक्चर्स. यू कैन सी देम. बर्ड लेक के एंड में आपको एक बर्ड वॉच टावर देखने को मिलता है जहाँ से ऊपर से आपको पूरा करंजी लेक का व्यू देखने को मिलेगा. एंड दिस वॉज द बेस्ट एंड टू द डे. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया. डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.